पतन। सत्यमता जी का जन्म 13 जनवरी 1926 को वेस्ट बंगाल में हुआ और इनकी डेथ 9 अप्रैल 2009 को 83 वर्ष की उम्र में हुई। इनके डायरेक्शन में बनने वाली सबसे पहली मूवी आई थी सन 1955 में, जिसका नाम था बहू। इस मूवी में करण दीवान, उषा किरण और प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 10 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 9 लाख की और बॉक्स ऑफिस पर इसे फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1956 में, जिसका नाम था इंस्पेक्टर। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अशोक कुमार, गीता बाली प्राण थे। इस मूवी का बजट था 20 लाख रुपए। इस मूवी ने 40 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इसे एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1957 में, जिसका नाम था शेरू। इस मूवी को सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अशोक कुमार, नलिनी जयंत, कुलदीप कौर, ओम प्रकाश थे। इस मूवी का बजट 15 लाख था। इस मूवी ने 20 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इसे ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1957 में, हिल स्टेशन। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया। इसमें प्रदीप कुमार, बीना राय और श्यामा थे। इस मूवी का बजट था 13 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 30 लाख रुपए के बॉक्स ऑफिस से हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1958 में, हावड़ा ब्रिज। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अशोक कुमार, मधुबाला, के एन सिंह, ओम प्रकाश मदनपुरी थे। इस मूवी का बजट था 25 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 55 लाख रुपए की और बॉक्स ऑफिस से एवरेज करार दिया गया। इनकी अगली मूवी आई थी सन 1958 में, डिटेक्टिव। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें प्रदीप कुमार, माला सिन्हा, जॉनी वॉकर लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 25 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी 30 लाख रुपए के बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1959 में, जाग उठा इंसान। एक तो सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, मधुबाला, नासिर हुसैन मदनपुरी थे। इस मूवी का बजट था 25 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 40 लाख रुपए के बॉक्स ऑफिस से ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1960 में, जिसका नाम था जाली नोट। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें देवानंद, मधुबाला, ओम प्रकाश और मदनपुरी थे। इस मूवी का बजट था 25 लाख रुपए और इस मूवी ने कमाई की 15 लाख रुपए की और बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1960 में आई थी सिंगापुर। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शम्मी कपूर, पद्मिनी और शशिकला थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रुपए था और इस मूवी ने 55 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस से सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1962 में, इसी का नाम दुनिया है। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अशोक कुमार, श्यामा, महमूद लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 20 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 12 लाख की और बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1962 में, चाइना टाउन। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शम्मी कपूर, शकीला और मदनपुरी थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रुपए था। इस मूवी ने कमाई की 70 लाख रुपए से बॉक्स ऑफिस पर इसे सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1962 में, नाटी बॉय। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें किशोर कुमार, कल्पना मोहन, ओम प्रकाश लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 15 लाख था। इस मूवी ने कमाई की 15 लाख की और बॉक्स ऑफिस पर इसे फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1963 में, एक राज। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में किशोर कुमार, जमुना प्राण और ललिता पवार लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 15 लाख रुपए। उस मूवी ने कमाई की 25 लाख रुपए के और इसे बॉक्स ऑफिस पर इसे एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1964 में, जिसका नाम था कश्मीर की कली। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, नासिर हुसैन प्राण थे। इस मूवी का बजट 20 लाख था। इस मूवी ने 1,30,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली 1966 में आई थी सावन की घटा। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें मनोज कुमार, शर्मिला टैगोर, मुमताज और प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रुपए था। इस मूवी ने कमाई की 1,00,00,000 की और बॉक्स ऑफिस से सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1967 में, जिसका नाम था एन एवनिंग इन पेरिस। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, राजेंद्र नाथ और प्राण थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रुपए था। इस मूवी ने 1,50,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इसे सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1969 में आई थी आराधना। इस मूवी को सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार और फरीदा जलाल थी। इस मूवी का बजट था 25 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 3,50,00,000 रुपए की और बॉक्स ऑफिस से ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी 1970 में आई थी कटी पतंग। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में राजेश खन्ना, आशा पारेख, बिंदु और प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 30 लाख रुपए और इस मूवी ने कमाई की 1,90,00,000 की और बॉक्स ऑफिस सुपर हिट रही। अगली मूवी 1970 में आई थी पगला कहीं का। इसको सत सामंता जी ने डायरेक्ट किया था।
इसमें शम्मी कपूर, आशा पारेख, हेलन, विजू खोटे, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी का बजट 25 लाख था। इस मूवी ने कमाई की 25 लाख के बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1971 में जाने अनजाने। इस मूवी को शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में शम्मी कपूर, लीना चंद्रावरकर, विनोद खन्ना और हेलन थे। इस मूवी का बजट था 25 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 18 लाख रुपए की और बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1972 में अमर प्रेम। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, विनोद मेहरा, मदन पुरी थे। इस मूवी का बजट था 40 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 1,50,00,000 रुपए की और बॉक्स ऑफिस से भी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1972 में अनुराग। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार नूतन और मदन पुरी थे। इस मूवी का बजट था 35 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 90 लाख रुपए की और बॉक्स ऑफिस पर इसे सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1974 में अजनबी। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में राजेश खन्ना, जीना तमान, योगिता बाली, असरानी, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी का बजट 60 लाख था। इस मूवी ने कमाई की 1,25,00,000 की और एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1974 में चरित्रहीन। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजीव कुमार, योगिता बाली, शर्मिला टैगोर, मदन पुरी थे। इस मूवी का बजट था 40 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 25 लाख की और बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1975 में आई थी अमानुष। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में उत्तम कुमार, शर्मिला टैगोर, उत्पल दत्त थे। इस मूवी का बजट 14 लाख रुपए था। इस मूवी ने कमाई की 45 लाख की और बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1976 में महबूबा। इस मूवी को शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, नासिर हुसैन, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी का बजट था 80 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 1,60,00,000 रुपए की बॉक्स ऑफिस से हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1976 में बालिका बधू। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सचिन और रजनी वर्मा, असरानी, ओम शिवपुरी थे। इस मूवी का बजट 15 लाख था। इस मूवी ने 35 लाख कमाई की एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1977 में आनंद आश्रम। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में अशोक कुमार, उत्तम कुमार, शर्मिला टैगोर, राकेश रोशन थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रुपए था। इस मूवी ने 10 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इसे फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1977 में आई थी अनुरोध। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, सिंपल कपाड़िया, विनोद मेहरा, अशोक कुमार थे। इस मूवी का बजट 95 लाख था। इस मूवी ने कमाई की थी 80 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1979 में द ग्रेट गैम्बलर। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, जीना तमान, नीतू सिंह, इफ्तखार थे। इस मूवी का बजट था 1,20,00,000 रुपए। इस मूवी ने कमाई की 2,25,00,000 रुपए की और सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1980 में ख्वाब। इस मूवी को शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में अशोक कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, योगिता बाली थे। इस मूवी का बजट था 50,00,000 रुपए। इस मूवी ने 50,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली 1981 में आई थी बरसात की एक रात। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, उर्पत दत्त थे। ये इस मूवी का बजट 1,20,00,000 था। इस मूवी ने 2,00,00,000 की कमाई की और एवरेज रही। अगली मूवी आई थी सन 1982 में अय्यास। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजीव कुमार, रति अग्निहोत्री, अरुण गोविंद थे। इस मूवी का बजट था 50,00,000 रुपए। इस मूवी ने कमाई की 35,00,000 की और बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में आवाज। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में राजेश खन्ना, जया प्रदा, राकेश रोशन, मदन, ओम अमरीश पुरी थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 था। इस मूवी 2,50,00,000 कमाई की एवरेज रही। अगली 1985 में आई थी अलग अलग। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में राजेश खन्ना, टीना मुनीम, शशि कपूर थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 था। इस मूवी ने 80,00,000 की कमाई की और ब्लॉक फ्लॉप रही। अगली मूवी 1985 में आई थी आर पार। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, राजेश खन्ना थे। इस मूवी का बजट 1,35,00,000 था। इस मूवी ने 75,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी 1985 में आई थी अनन्य विचार। ये बंगाली भाषा की मूवी थी। इस मूवी मिथुन चक्रवर्ती, रोजना, उत्पल दत्त थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया था। अगली मूवी आई थी 1990 में अंधा विचार। ये भी बंगाली भाषा की मूवी थी। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसे मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी और तनुजा थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1990 में जिसका नाम था दुश्मन। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, आलोकनाथ और रंजीत थे। इस मूवी का बजट था 1,50,00,000 और मूवी ने कमाई की 1,25,00,000 की बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1993 में गीतांजलि। इसको शक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें जितेंद्र रेखा लीड कास्ट में देखने को मिली। इस मूवी का बजट था 1,35,00,000 और इस मूवी ने कमाई की 85,00,000 की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली 1997 में आई थी आंखों आंखों
आंखों में तुम हो, इसको प्रोड्यूस किया था सक सामंता जी ने। इसमें शरद कपूर, रोहित राय थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। मूवी ने 55,00,000 की मार्के डिजास्टर रही। अगली मूवी 2002 में आई थी देवदास, ये भी बंगाली भाषा की मूवी थी। इसको सक सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें प्रसेंजीत चटर्जी और अर्पिता पाल थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ये इनकी लास्ट मूवी रही, इसके बाद कोई इनकी मूवी नहीं आई क्योंकि बीमारी के कारण कमजोर हो गए थे। उसके बाद 2009 में इनकी डेथ हो गई। तो ये इनका बॉक्स ऑफिस रन ऐसे था। कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन की फेवरेट है कमेंट